दिया
हम वो संविधान सुनेंगे, कन्नौज की आवाज ही है, खुशबू का परिवेश चुनेंगे, अमन का हम संदेश चुनेंगे, अब के हम अखिलेश चुनेंगे, अखिलेश है अखिलेश है हम सबके अखिलेश है अखिलेश है अखिलेश है जिंदाबाद अखिलेश है। इंजीनियर कॉलेज बनवा तुम्हारे बहुत ही बहुत ही बहुत ही सम्माननीय यहाँ पर भाई बहन यहाँ साथियों युवा साथियों आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम लोग यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। बटन दबा दो पार्टी के भैया आने वाले हैं, बटन दबा दो पार्टी के भैया आने वाले हैं। अब आप देखिए कन्नौज लोकसभा इसलिए महत्वपूर्ण है, ये दिल्ली को कुर्सी के लाने का काम करेगी। जब दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी, जब बनेगी आप लोग सोचिए आपको कितना सम्मान मिलेगा। और जो इधर प्रधानमंत्री चिल्लाने 400 पार कहते इस बार 400 पार नहीं आर पार की लड़ाई है और 40 पार नहीं होने देना, 40 पार नहीं होने देना। आप सब लोग इस बार भैया के ऐतिहासिक जीत दिलाए और इस तरह जो वर्तमान सांसद है वो हर समाज का अपमान करते हैं। आप देखिए चाहे वो लोधी समाज हो चाहे पार समाज हो चाहे धोरी समाज हो, अब आपको अपने समाज का अपमान लेना है, अपमान का बदला लेना है, इसलिए आप लोग क्या करके लगाइएगा। और उन्होंने देखिए लोधी समाज का अपमान किया, उन्होंने क्या कहा, शिवा महाराज बहुत पहले खरीदे हैं,
बातचीत करती हूँ। 13 तारीख को कल बटन लगा दो साइकिल का, भैया आ गए, बटन लगा दो साइकिल का, भैया आ गए। जय हिंद जय भारत। माननीय अखिलेश यादव जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने नेता को सुनिए आप। टाइम कम है और समय खत्म होने वाला है। मैं जाना पाते ना कहते हुए मैं सब समाज के साथ साथ विशेषकर अपने साथ किसान परिवार से अपील करता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके सम्मान अरे भी अखिलेश यादव भी कोई है जो सर पर चुनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवना विधानसभा की विधायक श्रीमती रेखा वर्मा जी और हाल में ही चुनाव लड़े एटा लोकसभा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देवेश शाख जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे दोहरे जी, हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष रानू पालीवाल जी, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, सभी उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिसमें हमारे तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले विधुना विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बहुत दिनों बाद इतना जोश और उत्साह एरवा करता और विधुना में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो लगता था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं, ये पहला चुनाव दिखाई दे रहा है जो जनता खुद लड़ रही है। और इस बार इटावा आसपास और कुल मिलाकर के जो सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, वो इतिहास तो बनने जा रहा है। लेकिन कन्नौज क्रांति में जो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबका सहयोग मांग रहा हूँ। मुझे इटावा, हमें इटावा के, मैनपुरी के और औरैया के सभी जगह के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी मैनपुरी वाले दावा करते हैं कि मैनपुरी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन आज जो मैनपुरी वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं, मैनपुरी वाले आज देख लिया होगा उन्होंने कि कन्नौज मैनपुरी से आगे जा रहा है वोटों में। और इसीलिए प्रधानमंत्री न इटावा गए, न औरैया गए, न कन्नौज गए, और कन्नौज से तो किनारा कण करके कन्नी काट करके सीधे दिल्ली चले गए। ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा करती है, ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इनके नेताओं को अगर हम देखें होर्डिंग पर इनके नेता पहले से ही गायब हैं। और ये जो 2 खटारा इंजन है,
इटावा वाला और एक कन्नौज वाला, बताओ ये खटारा इंजन है कि नहीं है, इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको अपमानित न किया हो। हमारे साध समाज के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, लेकिन उसके बाद साध समाज को अपमानित करने के लिए भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। और हमें दुख है इस बात का कि लोधी समाज का एक इतिहास रहा है, महारानी वीरांगना अवंती बाई का एक बहुत शानदार इतिहास रहा। सोचो लोधी समाज के लिए ये खटारा इंजन क्या कह रहा था कि हम पैसे से खरीद लेते हैं, इस बार लोधी समाज ने भी और साहिब समाज ने भी ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के तो पीछे पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के भी पीछे पड़े हैं। संविधान और हमारी जान के पीछे पड़े हैं। ये जो इंजेक्शन लगवाया था वैक्सीन वाला, बताओ वैक्सीन इंजन वो वैक्सीन वाले इंजेक्शन से हार्ट की बीमारी और बीमारी हो रही कि नहीं हो रही, और जिसने वैक्सीन बनाई थी वो कंपनी कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे, बताओ कौन सा इंजेक्शन है जिससे लगी हुई वैक्सीन हमारी और आप ये निकाल लेंगे, बताओ कैसे निकाल लेंगे वैक्सीन। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इन्होंने किसान को धोखा दिया, लागत नहीं बढ़ाई, किसान को धोखा दिया, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, आय दोगुनी नहीं हुई, हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये नौजवान जानते होंगे कोई परीक्षा देने गए हर पेपर लीक हो गया, बताओ कैसी सरकार है, कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, बताओ इस सरकार में लीकेज है कि नहीं है, और राशन कैसा मिल रहा है आपको, अब राशन में जो नई चीज मिल रही है वो कैसी है, वो लगता बहुत पौष्टिक है, इसलिए अपने गरीबों को कहने जा रहे हैं राशन बढ़ेगा, राशन के साथ साथ गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा के साथ डाटा फ्री बने काम करेंगे। हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा, ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग अपने गरीबों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे खुशी है कि ये पहला चुनाव है, तो ये पहला चुनाव है जिसमें पीडीए परिवार एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, पीडीए परिवार एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और हर वर्ग के लोग मदद कर रहे हैं। ये कितना विकास है समाजवादियों का दिया हुआ है,